हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। तो वन प्लस 10R लॉन्च हो चुका है और सही मायनों में एक ठीक फोन लगा मुझे वन प्लस 10R। बट कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग थोड़ी और एग्रेसिव हो सकती थी, बट नेवर माइंड। अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस फोन का नाम है रियलमी GT नियो 3 150W और वो कहीं ना कहीं वन प्लस 10R का एक क्लोज कॉम्पिटिटर है और आता भी कमाल के फीचर्स के साथ है, बट स्टिल वन प्लस 10R को अंडरकट करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। मतलब ये वीडियो तो मैं लॉन्च से पहले ही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री के सोर्सेज के हिसाब से पता चला है कि काफी तगड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा है ये और काफी अच्छे तरीके से आता है और फिर भी अंडरकट करता है प्राइसिंग में। सो प्राइसिंग तो आपको पता चली ही होगी क्योंकि एम्बार्गो तो उठ ही गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक वीडियोस मिलते रहें और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारी। तो चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशन रियलमी GT नियो 3 के बारे में, लेकिन पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन में काफी अच्छा लगा मेरे को, मतलब थोड़ा सा यूनिकनेस डाल के देता है Realme हर एक फोन में। तो उसी के हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं रेसिंग इंस्पायर्ड आपके स्ट्राइप्स हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं मेरे को एंड काफी अच्छे लुक देते हैं। पीछे ग्लास बैक है और पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। मतलब काफी अच्छा लगता पकड़ के कि हाँ अच्छा फोन है, काफी स्टर्डी है। सो दैट्स गुड। एंड ये आपको 3 कलर्स में मिल जाता है, जो कि आता है नाइट्रो ब्लू एंड स्प्रिंट वाइट और एसफल्ट ब्लैक। मेरे को पर्सनली पसंद आया स्प्रिंट वाइट, आपको कौन सा पसंद आया जरा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 6.7 इंच का 120Hz का 10-bit का AMOLED डिस्प्ले, जो कि बहुत ही कमाल दिखता है क्योंकि इसमें आपको बेजल्स तो नाम के भी नहीं है यार, इतने पतले पतले बेजल्स हैं, चिन तो है ही नहीं। क्योंकि इसमें आपको मिलता है 94.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 100% P3 कलर गैमेट के साथ आता है एंड काफ़ी कमाल मिलने वाले आपको कलर्स। लेकिन इसमें एक और चीज़ अच्छी है कि इसमें डेडिकेटेड डिस्प्ले प्रोसेसर मिलता है, जिससे कि आपको अगर आप हाई फ्रेम रेट्स का कुछ भी कंटेंट देखेंगे या कुछ अगर गेम वगैरह खेलेंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी अच्छा हेल्प करने वाला है एक डेडिकेटेड डिस्प्ले प्रोसेसर, तो आपको और ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है और साथ ही साथ लोअर कंजम्पशन ऑफ पावर, मतलब कि बैटरी आपकी कम खर्च होगी तो आपका फोन लंबा चलेगा। सो दैट्स रियली ग्रेट, सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइज, अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेसर की, तो आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity का 8100 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल बताया जा रहा है, Snapdragon 888 से भी ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाएंगे कि कैसा है वो, क्या परफॉर्म कर रहा है वो रियल यूसेज सिनेरियो में। और हम बात करें अगर इसके रैम वेरिएंट्स और स्टोरेज वगैरह की, तो आपको इसमें रैम मिल जाती है LPDDR5 और स्टोरेज आपको मिल जाता है UFS 3.1, जो कि काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी फास्ट स्टोरेज स्पीड मिलने वाली है आपको। और आपको इसका सिंगल वेरिएंट 12/256GB में मिल जाएगा और प्राइसिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो लॉन्च इवेंट से पहले बन रही है तो हमें एक्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और गाइस, इसकी एक खास बात बता दूं जो कि गेमर्स को बहुत पसंद आने वाली है, कि इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का वेपर कूलिंग सिस्टम मैक्स मिलता है, जो कि सबसे बड़ा एरिया है कूलिंग का आज तक का जो रियलमी ने बनाया है इसके अंदर। मतलब कि कमाल होने वाला है, हीटिंग तो भूल ही जाओ और गेमिंग में मज़े करते रहो, बस गेम ही खेलते रहो, एकदम चिल रहोगे आप और ढैं शूट कर लेना। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके पावर की, जो कि है 150 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है और बैटरी है इसके अंदर 4500 mAh की, जो कि काफ़ी अच्छी है यार। और अगर मैं आपको चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यार ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब भी इसको लगाता हूँ चार्ज पे, मैं कुछ काम वाम में बिजी हो जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो फुल चार्ज हो गया, तो मेरे को देखने को नहीं मिला एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम लिया है इसने चार्ज होने में। सो वो आपको मैं रिव्यू में बता दूंगा, तो डोंट टेक टेंशन।
बट हाँ काफ़ी फास्ट है गाइस, और क्लेम किया जाता है कि 50% चार्जिंग मिल जाती है आपको सिर्फ 5 मिनट्स में, जो कि काफ़ी अच्छा है यार। और काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं इसको इस चार्जिंग स्पीड तक पहुंचाने के लिए, सो ऐसे घबराने की बात नहीं है, बट स्टिल हम टेस्ट करके आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है Realme UI 3.0 जो कि Android 12 पे आता है, एंड अच्छा लगा अभी तक तो, स्मूथ है एक्सपीरियंस, बट आपको एग्जैक्ट हम बता पाएंगे रिव्यू के बाद ही, सो वेट फॉर द रिव्यू। सो गाइस अब बात करते हैं हम कैमरास के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप जिसमें कि आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, सोनी का IMX766 का फ्लैगशिप सेंसर है, और 1x1.56 इंच का सेंसर साइज है, तो मतलब जितना बड़ा सेंसर साइज होगा उतना अच्छा आपका लो लाइट परफॉर्मेंस होगा, तो काफ़ी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है इससे, बट वो हम आपको टेस्टिंग के बाद ही बताएंगे। और बात करें इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में बात करें तो आपको मिल जाता है इसमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा जो कि सैमसंग का सेंसर है, जो कि अच्छा है वो भी। सो आपके लिए फोटोज एंड वीडियो सैंपल्स आपकी स्क्रीन में दिख जाएंगे, सो आप जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो गाइज अभी मैं शूट कर रहा हूँ Realme GT Neo 3 के फ्रंट कैमरा से जो कि है 16 मेगापिक्सल का और सैमसंग का सेंसर लगा है, सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी। और साथ साथ आपको बता दूँ इसका ऑडियो जो आप सुन रहे हैं वो भी इसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। सो गाइज ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ Realme GT Neo 3 150 वॉट। सो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों के थॉट्स हैं, ये OnePlus 10R को अंडरकट कर पा रहा है कि नहीं, ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका रिव्यू बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, बट आपको बताया भरपूर टेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है यार, तो थोड़ा टाइम दीजिए और वेट कीजिए हमारा रिव्यू का, और इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दैट्स इट दोस्तों, और भी सारी तमाम खबरों के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें मिस्टर फोन हिंदी को। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।